अभी मैं मौजूद हूँ जगदलपुर के अनुमंडल अस्पताल में, और आपको बता दें कि ये पश्चिम सिंहभूम जिले का सदर अस्पताल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ औसतन रोजाना अगर हम बात करें मरीजों की आने की जो संख्या है करीब 100 से लेकर 150 तक होता है, लेकिन अब चूंकि बरसात का समय है तो यहाँ पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज जो स्थिति यहाँ जो जानकारी मिल रही है, करीब 300 की संख्या में रोज मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे करीब 50 बेड का जो संख्या है यहाँ पे सारा फुल हो चुका है। उसके बावजूद अब मरीजों की जो संख्या है रोजाना बढ़ गई, इसको लेकर बरामदे में मरीजों को सुलाया जा रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा गद्दा लगाया गया है, बाहर मरीज है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मरीजों को जो है बेड उपलब्ध नहीं हो रहा। अब बता दें कि यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिला जो है मलेरिया जोन है, तो यहाँ रोजाना कई डेंगू और मलेरिया के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बरामदे में भी बेड लगा हुआ, जहाँ एक बेड पे दो दो मरीज को सुलाया गया। नए भवन बनने के बाद विगत एक महीने में हमारे यहाँ पूर्व सिविल सर्जन के द्वारा 10 बेड और अतिरिक्त भिजवाए गए थे, जो कि नया भवन में स्थापित हो चुके हैं और मरीज भी उस पर भर्ती हो रहे। फिर भी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के चलते जो है हमारा सारा बेड फुल हो जा रहा है और ऐसी नौबत आ रही है, ठीक है। तो इस पर हमारे अभी के सिविल सर्जन ने भी संज्ञान लिया हुआ है और नया बेड भिजवाने की एक बात कह रखी है। साथ में हम लोगों से अपनी जितनी व्यवस्था हो सकती है हम लोग करते हैं, ताकि मरीजों को भी संख्या जो है, जो मरीज स्टेबल हो जा रहे हैं उनको जल्दी हम लोग छुट्टी भी कर दे रहे हैं उनकी स्थिति को देखते हुए। तो अभी तो मरीज की इतनी ज़्यादा संख्या हो चुकी है जो कि हम लोग परेशान हो गए हैं, अन्यथा हमारे यहाँ से डिमांड भी जा चुका है और हमारे सीएस ने भी कहा है कि यथाशीघ्र उसको पूरा भी किया जाएगा। डॉक्टर और नर्स की भी कमी है? हाँ, इस नए भवन को संचालित करने में वर्तमान में हमारे पुराने भवनों से ही सारे स्टाफ को निकाल के उनको ड्यूटी रोस्टर में सेट किया गया है। वर्तमान में नए भवन में एक एक स्टाफ से जो है सेवा ली जा रही है, जो मैंने एक तरह से ठीक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि किसी भी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने में एक अकेला स्टाफ जो है संभाल नहीं पाएगा केस को, और ऐसे में फिर इलाज का लापरवाही का आरोप लग जाएगा। तो सभी लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं और हमने भी मांग किया है कि हमें अतिरिक्त स्टाफ दिया जाए। कितने मरीज रोजाना आ रहे हैं सर? अभी नए भवन रोजाना जो है सो करीब अब हमारे पास 200 से 220 मरीज आने लग गए हैं, जिसमें सभी तरह के खासकर सर्दी बुखार के मरीज हैं। किन्हीं किन्हीं को डायरिया एवं इनका भी शिकायत होती है, लेकिन बुखार बदन दर्द इनका मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगू के मरीज का सर? डेंगू के मरीज अभी हमारे पास एक भी नहीं आए हैं। डेंगू के लिए हमारे पास जिला में अब पर्याप्त किट आ चुका है, लेकिन वैसे ही मरीजों का, संभावित मरीजों का हम लोगों को जाँच करने का निर्देश प्राप्त है। नहीं, सुविधा है सर, हमारे लैब टेक्नीशियन कैपेबल हैं, हम लोग को सूचना दे दी गई है कि डेंगू का किट आ गया है, हमको सिर्फ वहाँ से उठाव करना है। अब देखने वाली बात है कि विभाग इस पर कितना गंभीरता से लेता है और इस अस्पताल को का जो पूरी तरह से जिसका संचालन और यहाँ जो बेड की जो संख्या की जो कमी हो रही है, मरीजों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उससे निजात मिलेगा। हरीश शर्मा, 99 न्यूज़, चाईवासा।